अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमने सिक्स क्लास के कंप्यूटर के एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं एजुकेटर्स के जॉब्स के लिए, बट ये हर एक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीपीएससी को, एफपीएससी को, एफआईए को। आप लोग इनको एक बार अच्छे से तैयार कर लें, इनको रीड भी कर लेंगे तो आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। आज का हमारा एमसीक्यूज़ है 190। क्या स्टोरेज एरिया इन अ स्टोरेज डिवाइस इज़ नॉन है, जिस चीज़ के अंदर हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए ताकि चीज़ें सेव रहें, हम किस में करते हैं वो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जो होती है उसके अंदर क्या होती है चीज़ें सेव रहती हैं। नेक्स्ट है 191, द लिमिट ऑफ द फाइल एंड फोल्डर नेम कैन कंटेन अप टू डैश करेक्टर्स इंक्लूडिंग द स्पेस। जो हम चीज़ें राइट डाउन करते हैं डिफरेंट फोल्डर्स पर, डिफरेंट नेम्स के थ्रू हम सेव करते हैं चीज़ों को, उसके अंदर जो हम कैरेक्टर्स राइट कर सकते हैं, जैसे मूवी है उसको हम कितने नंबर्स तक हम कैरेक्टर्स दे सकते हैं और चीज़ों को सेव कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है 255 नंबर्स जस्ट हम राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 192, यू ऑर्गेनाइज द फाइल बाय द स्टोरिंग देन इन डैश। हम चीज़ों को जो ऑर्गेनाइज करते हैं फाइल के थ्रू और उसको हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, फोल्डर्स के अंदर। हम डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बना देते हैं, हर एक चीज़ के अलग अलग से फोल्डर्स बना देते हैं तो उनमें हम इजी हो जाती है चीज़ों को तलाश करने के लिए। नेक्स्ट है अ फाइल डैश शो द लोकेशन ऑफ द फाइल और अ फोल्डर, जो हमें बताती है कि इधर ये चीज़ पड़ी है, इधर ये चीज़ पड़ी है, इधर ये चीज़ पड़ी है, हमें वो क्या होता है उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम इस चीज़ों को ईजी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, पाथ। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ क्रिएटिंग द न्यू फोल्डर एक्सेप्ट, ये सारे के सारे जो मेथड हैं विंडो को क्रिएट करने के लिए हैं, बस एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है, वो ये है कि बी डबल क्लिकिंग एन एग्जिस्टिंग द फोल्डर, डबल क्लिकिंग जो फोल्डर पहले से एग्जिस्ट हो उसके ऊपर हम डबल क्लिक करके हम क्या नहीं कर सकते, फोल्डर को क्रिएट नहीं कर सकते, बाकी हर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 195, डैश अ फाइल प्लेस एंड डुप्लीकेट द वर्जन ऑफ द फाइल इन अ न्यू लोकेशन दैट यू स्पेसिफाई। हम अगर जो चीज़ हमारी एक जगह कॉपी पड़ी है हम उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें उधर से कॉपी करनी पड़ती है, दूसरी जगह क्या करनी पड़ती है, शिफ्ट करनी पड़ती है, तो हम जस्ट चीज़ों को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं तो हमारी दूसरी जगह चीज़ क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द फाइल नेम दैट यूजली रिफ्लेक्ट द फाइल फॉर्मेट, हमारे पास जो पार्ट ऑफ फाइल होता है वो यूजली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है एक्सटेंशन को। नेक्स्ट है हु वाज़ द इन्वेंटर्स ऑफ कंट्रोल सी, जिसके ज़रिए से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी जिसके ज़रिए से हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स जिसके ज़रिए से हम इन सबको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो ये सारे के सारे शॉर्टकट की किसने पेश किए थे, लैरी टेस्लरा ने, ठीक है, ये किसने पेश किए थे, लैरी टेस्लरा ने। तो आज हमने कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ किए हैं, आप इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से तैयार करते रहें क्योंकि एजुकेटर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मोस्टली पंजाब टेक्स्ट बुक्स में से ही आते हैं और आप खुद आइडिया कर लें कि ये बहुत ही टाइम बाद जॉब्स आएगी तो इस पर बहुत ज़्यादा लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आप लोग किसी चीज़ को भी ना देखें, गवर्नमेंट को ना देखें, किसी चीज़ को भी ना देखें, इससे आप लोगों का नॉलेज बढ़ता है, बुक्स रीडिंग की हैबिट पैदा होती है। हम वैसे भी तो बहुत सारी चीज़ें देखते ही रहते हैं ना बैठ के, तो आप लोग यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रीड करते रहें, जॉब आए नहीं आए बट आप लोगों के पास नॉलेज आता रहेगा, ठीक है, आप लोग इनको अच्छे से करते रहें। मैं डेली की डेली वीडियो अपलोड कर देती हूँ क्योंकि मैं तो ये है कोशिश कि जब तक जॉब्स आए हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को कवर कर लें। अभी हम हमारे पास कंप्यूटर के सिक्स क्लास के एमसीक्यूज़ स्टार्ट हैं, सेवन्थ है, एट है, नाइन है, टेंथ है, अभी इस्लामियात के भी मैंने आई थिंक सिक्स या सेवन्थ के ही एमसीक्यूज़ करवाए हैं, बाकी के रहते हैं। मैंने कहा चलो कंप्यूटर स्टार्ट कर देते हैं फिर हम क्या कर लेंगे उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो हर मैथ कम्प्लीट हो चुकी है फोर्थ से लेके एट तक के, तो मैथ को आप लोग कर सकते हैं।